पतंजलि नाम सुन के आटा दाल चावल समझे क्या? क्रेडिट कार्ड भी है अपन के पास। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि अब आटा दाल चावल के साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी देने वाला है। दोस्तों बाबा रामदेव अब आपको घी तेल चावल शहद के बाद अब क्रेडिट कार्ड का भी मजा देने वाले हैं। अब वो मजा कैसा होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि के क्रेडिट कार्ड के बारे में। खाद्य सामग्री से लेके आपको जीन्स पैंट जूते तक बेचने वाले बाबा रामदेव ने अब PNB बैंक के साथ टाई अप करके अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है पतंजलि PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि पतंजलि के इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस तरह से हमें यह कार्ड मिलेगा, इस कार्ड के क्या फीचर्स होंगे, क्या चार्जेस होंगे, सारी बातें करेंगे। तो आप वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह के लूट की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पतंजलि ने रुपे प्लेटफॉर्म पे PNB बैंक के साथ टाई अप करके अपने दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। पहला है पतंजलि PNB प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और दूसरा है पतंजलि PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पतंजलि PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आपको जैसे ही ये कार्ड मिलता है और जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो वेलकम बेनिफिट्स के तौर पे आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस कार्ड पे आपको 10 लाख तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। यानी कि अगर आपका PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट है और इन केस आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में आपको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दोस्तों PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन ये अब तक रिवील नहीं किया गया है कि आपको कितनी बार डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। दोस्तों PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में आपको गोल्फ, स्पा और हेल्थ चेकअप जैसे बेनिफिट भी मिलते हैं। दोस्तों PNB का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि पतंजलि इस कार्ड के लिए मासेस पे फोकस कर रहा है। पतंजलि जिस तरह से घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है अपनी खाद्य सामग्री को लेकर, उसी तरह पतंजलि चाहता है कि अब उसके क्रेडिट कार्ड भी हर घर का हिस्सा बने। दोस्तों इस कार्ड से जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी स्पेंड करेंगे तो उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों पतंजलि PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड से आप पतंजलि स्टोर पे जब भी कोई परचेजिंग करेंगे तो इस पे आपको फिलहाल 2% का कैशबैक मिलेगा। मेरे ख्याल से कैशबैक थोड़ा कम है, एटलीस्ट 5% का कैशबैक तो मिलना ही चाहिए, जैसा कि हमें अमेजोन पे, ICICI बैंक पे मिलता है अमेजोन पे शॉपिंग करने पे, या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे मिलता है फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन बाबा रामदेव का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इस कार्ड पे कुछ काफी अच्छे बेनिफिट्स देंगे, जिसके तहत आपको 10% से लेके 50% तक का डिस्काउंट पतंजलि स्टोर पे शॉपिंग करने पे मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा मूव साबित हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ अगर आप पतंजलि के स्वदेशी समृद्धि कंज्यूमर है तो इस कार्ड से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उस केस में आपको 5-7% तक का कैशबैक मिल सकता है, लेकिन आपको कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। यानी कि फिलहाल ये कार्ड हवा हवाई है। दोस्तों पतंजलि के PNB सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे कहा जा रहा कि ऑफर्स तो कई सारे होंगे, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि सारी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। दोस्तों पतंजलि PNB क्रेडिट कार्ड को आप पंजाब नेशनल बैंक के जिनी ऐप से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लिमिट को कम बेसी कर सकते हैं, कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कार्ड को ब्लॉक या री इशू भी करा सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कार्ड पे आपको लोन भी मिल सकता है और भी जो जनरली बेनिफिट्स हमें दूसरे क्रेडिट कार्ड्स पे मिलते हैं वो सारे ही बेनिफिट्स आपको इस कार्ड पे भी मिलेंगे। दोस्तों इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस या एनुअल फीस के बारे में अभी कोई रिविलेशन नहीं हुआ है, यानी कि इसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी होगी या एनुअल फीस कितनी होगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है
इस कार की ज्वाइनिंग फीस 500 प्लस जीएसटी या 700 प्लस जीएसटी के आसपास हो सकती है। अब तो ये कार्ड लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि इस कार्ड में हमें कितनी ज्वाइनिंग फीस या एनुअल फीस लगने वाली है। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि मास क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लुभाने के लिए पतंजलि शुरुआत में इस कार्ड को पूरी तरह से फ्री में ऑफर कर दे, यानी कि कोई ज्वाइनिंग फीस या कोई एनुअल फीस इस कार्ड पे हमें ना लगे। अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छा बेनिफिट साबित हो सकता है, उस केस में इस कार्ड की काफी डिमांड हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं पतंजलि पीएनबी के प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की। तो इस क्रेडिट कार्ड में भी हमें वेलकम बेनिफिट के तौर पर 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसी के साथ इस कार्ड से पतंजलि स्टोर पे शॉपिंग करने पे हमें 2% का कैशबैक मिलेगा। साथ ही इस कार्ड पे भी हमें डोमेस्टिक और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलने वाली है। पतंजलि पीएनबी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में हमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, जो कि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में 10 लाख है। यह एक मेजर डिफरेंस है पतंजलि के पीएनबी सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड और पतंजलि के पीएनबी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में। जहां तक दोस्तों इस कार्ड को लेकर स्पेकुलेशंस है, तो ये कार्ड जहां तक हो सकता है हमें लाइफ टाइम फ्री ही मिलने वाला है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मुझे तो ये कार्ड कुछ खास नहीं लगा, एवरेज एवरेज से दोनों कार्ड है। बेनिफिट्स ना ही कोई रिमार्केबल है, ना ही ज़्यादा कुछ खराब है। अगर आप पतंजलि फैन है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा लग सकता है। वैसे मैं तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, तो मुझे तो इस कार्ड में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी के फैन हो तो आपको ये कार्ड काफ़ी अच्छा लग सकता है। वैसे ये सारे बेनिफिट्स जानने के बाद, चार्जेस जानने के बाद, क्या आप इस कार्ड को लेना चाहेंगे? तो अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।